हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शोर ऑफ सिस क्लासेस। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एसएससी के सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 2016 के क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं इस वीडियो में हम लोग के पास कौन सा सॉल्व है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन है वहाँ पे बोला गया है कि ABCD एक स्क्वायर है जहाँ पे एक इक्विलैटरल PBC एक ट्राइंगल है ऑन द साइड ऑफ BC और कंसिडरिंग BC एक बेस है जिसके कंसिडर में ये PBC ट्राइंगल ड्रॉ किया गया है। एंड और भी एक चीज़ है जो कि और एक इक्विलैटरल QAC ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो कि डायगोनल टू AC होगा और कंसिडर करना होगा कि AC बेस है। तो हम लोगों को उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ PBC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ QAC। तो उसके पहले हम लोगों को ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको ड्रॉ करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक और भी नीचे करते हैं तो इजी होगा। सो ये रहा हम लोगों का ABCD एक स्क्वायर। तो ये हम लोग नेमिंग कर देते हैं ABCD। इसके बाद हम लोगों को एक इक्विलैटरल PBC ड्रॉ करना है जो कि BC मतलब ये जो लाइन है BC इसके कंसीडरिंग होगा क्योंकि इसको हम लोगों को बेस पकड़ के हम लोगों को यहाँ पे एक PBC ड्रॉ करना है। तो इसको बेस पकड़ के एक इक्विलैटरल लाइन मतलब अगर इसको हम लोग P मान लें तो ट्रायंगल करीबन कुछ PBC। अब इसके बाद क्या है कि हम लोगों को और एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो कि QAC और QAC ये होगा AC मतलब ये लाइन है हम लोगों का AC इसको डायगोनल मतलब D के डायगोनल में ये हो गया हम लोगों का क्यू पॉइंट। सो यहाँ से एक जाएगा ए के साथ QA और QC थोड़ा तो यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का ड्राइंग जो कि हम लोगों को डायरेक्शन में बोला गया है। अभी इसका सॉल्व करते हैं। सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये होगा आपका रूट ओवर 3/4 साइड स्क्वायर। अब पकड़ लेते हैं कि ABCD का साइड जो है वो है A। सो ये हम लोगों का A। सो लेट ABCD साइड्स आर A। अभी इक्विलैटरल जो PBC जो ट्रायंगल है उसका साइड A हो गया फिर एक, क्योंकि ये जो PBC है जो इसका भी एक साइड ये जो AC वाला कॉर्नर है तो फिर ये A हो गया। सो ट्रायंगल PBC साइड
equilateral side, equilateral side has a, abhi area of PBC triangle, area of triangle PBC हो गया root over 3 by 4 a square. अभी diagonal of square, diagonal of a square हो गया root over 2a. So अगर diagonal of a square root over 2a हो गया, तो अभी हम लोग equilateral triangle QAC का जो value है वो बिठा सकते हैं, जैसे कि root over 3 by 4 whole into root over 2a इसका whole square. अभी इसको solve करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा root over 3 by 4 into 2a square. यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं root over 3 by 2 a square. अभी हम लोगों को जो find out करना था वो था area of triangle PBC divided by area of triangle QAC. ये हम लोगों को, इसका value हम लोगों को निकालना था. तो अब इस यहाँ पे सिर्फ हम लोग वैल्यू बिठाएंगे, जैसे कि देखते हैं रूट ओवर 3 बाय 4 स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ पीबीसी का वैल्यू, और एरिया ऑफ क्यूएसी का वैल्यू हो गया रूट ओवर 3 बाय 2 स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने अभी निकाला है. तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ये मिल रहा है कि रूट ओवर 3 बाय 4 ए स्क्वायर इनटू 2 बाय रूट ओवर 3 a square, और ये कट गया तो ये भी कट गया, ये square square कट गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो हम लोगों को मिल गया half. तो half हो गया हम लोगों का answer. तो हम लोग देखते हैं कि options में हम लोगों के पास क्या क्या था. तो options थे हमारे पास 3 by 2 root over 3 by 4 half and 1 by root over 3. So clearly option C is our answer. So thank you for watching this video.